Everyone, hi, my name is उर्वशी जोशी एंड दिस इज माई चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, आज ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ, ये वीडियो एक सीरियस टॉपिक पे है। इस पे बहुत टाइम से मैं सोच रही थी कि आप लोगों से बात करूँगी, बट सही टाइम का वेट कर रही थी और आज ही सुबह से पॉपअप हो रहा है दिमाग में, बार बार उछल रहा है मेरे माइंड के अंदर। तो डेफिनेटली आज ही का दिन है इस चीज़ के ऊपर बात करने का। आज फोर 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 भी है, मीन्स आज बहुत सारे लोग जो हैं असेंशन में आएंगे। बहुत सारे लोगों की जो है वो अवेकनिंग जर्नी स्टार्ट होगी। जो चीज़ें आपने और हमने एक्सपीरियंस करी है पिछले 1-1.5 साल से, कई नए लोग जो हैं वो इस पोर्टल में एंट्री लेंगे डेफिनेटली, और उनके साथ भी वैसी चीज़ें होने लगेंगी जैसी हमारे साथ होती थी। तो मतलब अब कुछ और नए लोग जो है वो हमें ज्वाइन करेंगे। अच्छा, हाँ, ओके, स्टार्ट करते हैं। चलो, तो मैं आज आपसे जो बात करने जा रही हूँ वो ये बात करने जा रही हूँ कि मैंने आपको बताया कि ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है या स्पिरिचुअल जर्नी है, ये कुछ इसमें एक बहुत बड़ी सीन आपने देखा होगा कि हम एक डिसफंक्शनल फैमिली में हमारी अपब्रिंगिंग होती है। हमने देखा है कि हमसे पहले, मतलब जो हमारे बड़े थे, वो बहुत ज़्यादा लड़ते झगड़ते और अनहील थे, है ना। ट्विन फ्लेम जर्नी में ज़्यादातर जो लोग होते हैं उनके घर का एटमोसफेयर जो है वो इसी तरीके का होता है। वो बेमतलब में उनके घरों में इतनी लड़ाई झगड़े कलेश हुआ चलते हैं। और अगर आप पीछे से उठा के देखें ना अपने दादा दादी को या नाना नानी को, तो वहाँ पे भी कुछ इस तरीके का एटमोसफेयर जो है दादा या दादी में से किसी से या नाना या नानी में से किसी के साथ ऐसा रहा होगा कि जो अनहील था। ठीक है, ये चीज़ें क्या है ना, ये वैसे चल रही है जैसे अनुवांशिक तौर पर चल रही है। मतलब जनरेशन 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 टू जनरेशन चल रही है ये सारी चीज़ें। हम आपके पास पूरी अपडेट नहीं है, मुझे मालूम है उन्होंने आप तक ये बातें पहुंचने नहीं दी होंगी, बट कुछ चीज़ें जो आपने नोटिस करी होंगी वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो कुछ चीज़ें आपने ऐसे शेयर की होंगी कि या तो आपके पिताजी या मम्मी में से कोई एक बहुत ज़्यादा जो है वो लड़ता झगड़ता होगा, गालियाँ देता होगा, अब्यूसिव बिहेवियर करता होगा। कईयों के खुद फादर ने जो है वो अपने बच्चों को हरास करने की कोशिश की होगी। ऐसे केसेस भी आते हैं मेरे पास। आपके फादर्स के या मदर के किसी ना किसी के जरूर जो हैं वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहे होंगे डेफिनेटली किसी एक के। ठीक है, आपके फादर या मदर में से डेफिनेटली कोई एक जो है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहा होगा, या तो फादर के डोमिनेटिंग बिहेवियर की वजह से या तो घर वालों के किसी और के डोमिनेटिंग बिहेवियर की वजह से। और ये तो चलो आपको सिर्फ आपके फादर और मदर का पता है कि ये चीज़ें हमने देखी हैं हमारे घर में। हाँ, कुछ और चीज़ कि हो सकता है कि आपके पेरेंट्स में से कोई एक ने आपको पूरी ज़िंदगी भर जो है बहुत ही गंदी गालियाँ बातें और गंदा व्यवहार किया हो, जिसको कि आप किसी को बताने में भी डरते हो कि हमारे साथ ऐसे, कि ऐसा मतलब कोई माँ बाप या माँ या बाप जो है वो ऐसे हमारे साथ कैसे कर सकता है, इतनी नीच बातें हमारे साथ कोई कैसे कर सकता है। लेकिन आपके साथ हुई होंगी इस तरीके की चीज़ें। ठीक है, तो बेसिकली ये चीज़ें जो हैं ये जनरेशन टू जनरेशन चल रही हैं। आपके पहले भी, आपके जो ऊपर वाले हैं, जो आपके पेरेंट्स हैं, उनके साथ भी किसी के साथ ये चीज़ें हुई हैं और वो बहुत अनहील थे, और उसी वजह से घर का माहौल जो था इतना गंदा था। उससे पहले भी रहा होगा ये चीज़ और उससे पहले भी रहा होगा। तो ये जनरेशन टू जनरेशन वाइज चलती जा रही हैं। आप लकी हो कि इस जनरेशन में बाय यूट्यूब और कई और माध्यमों से, बाय सम जैसे कि कुछ अच्छे गुरु भी हैं इस वक्त, अच्छी किताबें हैं, तो वी आर वेरी लकी कि हम एक ऐसे टाइम पीरियड में पैदा हुए हैं कि जिसमें हमें पता चल पा रहा है कि हमारे साथ चल क्या रहा है। हमारे पेरेंट्स या हमारे पेरेंट्स के पेरेंट्स वो उस टाइम पीरियड में थे जब उन्हें पता ही नहीं था कुछ, और उसकी वजह से वो इतने अनहील थे कि वो इस तरीके का बिहेवियर कर रहे थे। ठीक है, घर का पूरा माहौल गंद हो रखा था। और इन चीज़ों का ना आपके अंदर बहुत बड़ा वूंड है एक्चुअली में। ठीक है, आपके अंदर जो है, जो आपके अंदर वूंड्स बहुत सारे हैं ना, घाव, उनमें एक बहुत बड़ा घाव यही है कि आप अपने पेरेंट्स को माफ़ नहीं कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपको बहुत गंदी बातें बोली हैं, बहुत गंदी बातें बोली होंगी किसी किसी के पेरेंट्स ने, स्पेशली मदर या फादर में से एक ने। किसी ने बहुत पीटा होगा अपने बच्चे को फॉर नो रीज़न, कोई बड़ा पढ़ाई वढ़ाई को लेकर रीज़न नहीं होगा, कुछ ऐसे रीज़न जो मतलब इतने घटिया होंगे। आपके खुद के पेरेंट्स ने आपको इतनी गंदी और अश्लील बातें बोली होंगी कि जिनको अगर आप सोचते भी होंगे तो आप हैरान हो जाते होंगे कि इतनी गंदी बातें कोई कैसे बोल सकता है। मतलब अलग अलग चीज़ हो सकती है। या फिर आपने ऐसा देखा होगा कि आपके फादर जो है आपकी मदर पे इतना टॉर्चर करते थे
जिसकी वजह से उनको वो इतने स्टेज पे पहुंच गई कि उनको डिप्रेशन की गोलियां खानी पड़ रही हैं, या फिर आपके साथ मिसबिहेव हुआ होगा सेक्सुअली, या फिर हाँ आपने अपनी आंखों से देखा होगा आपके फादर को किसी और के साथ रिलेशनशिप में जाते हुए, या अपनी मदर को किसी और के साथ रिलेशनशिप में जाते हुए, डेफिनेटली ये हुआ होगा इनमें से। अगर मतलब जरूरी नहीं है कि ये सारी बातें एक इंसान के साथ हुई हो, पर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो डेफिनेटली हुई होंगी आपके जो ट्रू ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं उनके साथ, डेफिनेटली ये सब चीज़ें उनमें से कुछ कुछ पॉइंट्स जो हैं वो उन्होंने देखे होंगे अपने परिवार में, अपने पेरेंट्स की तरफ से, या फिर पीछे के पीछे की तो हिस्ट्री आपको नहीं मालूम है लेकिन उनके साथ भी कुछ कुछ वैसा ही हुआ है। सो दोस्तों आप बस ओवरऑल मैं यह कहूंगी कि जब आपने इस तरीके की चीज़ें देखी हैं और आप आज देख रहे हैं कि आपके साथ भी कुछ वैसा ही चल रहा है, जब आप अनहील थे तो आप भी चिल्ला रहे थे, आप भी डार्क में थे, आप भी डार्क टाइप की चीज़ें कर रहे थे। सो दोस्तों मैं आपको एक और बात बता दूं कि अगर आप मैरिड हो इस वक्त और आपके बच्चे हैं, सो आपके अगर फॉर एग्जाम्पल 2 या 3 बच्चे हैं या 1 बच्चा है, सो आपको मालूम ही नहीं है कि जिस चीज़ों से आप गुजर रहे हो ना उसका, आप सोच रहे हो कि ये सब चीज़ें मेरे अंदर है, मेरे बच्चों को कुछ समझ नहीं आ रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके बच्चे जो है ना वो आपको हर वक्त नोटिस कर रहे हैं, जैसे आप नोटिस करते थे ना छोटे में अपने पेरेंट्स को अकेले में बैठ के, जैसे आपके बच्चे आपको नोटिस कर रहे हैं। और अगर आपके 3 बच्चे हैं या 2 बच्चे हैं तो उनमें से एक बच्चा जो ज़्यादा सेंसिटिव होगा ना वो सब कुछ नोटिस कर रहा है। ठीक है थोड़ा इमोशनल है बट मैं आपको गाइड कर रही हूँ सही चीज़ के लिए, वो सब कुछ नोटिस कर रहा है। और आने वाले टाइम में जो है ना जब वो बड़ा होगा तो डेफिनेटली उसके साथ भी इस तरीके की कुछ चीज़ें होंगी। तो आपका ये फर्ज बनता है कि जितने भी लोग हो आप अपने आप को भी हील करो और अपने बच्चे को भी जो है ना फ्यूचर में उसको क्योंकि ये चीज़ें इन फ्यूचर डेफिनेटली उसको भी घेरेंगी, डेफिनेटली घेरेंगी उसको भी। ठीक है तो आज आप जैसे खुद अपने आप को हील कर रहे हो ना, सही संस्कारों को अपनी ज़िंदगी में ला के, सही डिसिप्लिन को अपनी ज़िंदगी में ला के, ये समझ के कि जो मेरे साथ हो रहा है ये कम्प्लीटली रॉन्ग है, मैं इस तरीके से डार्क में नहीं जा सकता, मैं इस तरीके से ऐसी चीज़ें नहीं कर सकता इतनी नेगेटिव जो मैं कर रहा हूँ, तो पता है क्या आपको आज ही उनको सब गाइड करना होगा। मतलब एक ही दिन नहीं बैठ जाना कि सब गाइड करने, बट आपको उन्हें ना सही संस्कार जो है ना समझाने पड़ेंगे। ठीक है और समझाना पड़ेगा उनको, उनकी ना एक डिसिप्लिन में आप बनाओ कि उनके साथ सबसे पहले टाइम स्पेंड करो आप लोग। ठीक है वो ऐसा नहीं हो कि आप इस तरीके से ये ट्विन फ्लेम वाले चक्रों में फंसे हुए हो और हीलिंग कम और ये सब चीज़ें ज़्यादा कर रहे हो, अपने आप को हील कम कर रहे हो, सोल्यूशंस पे कम जा रहे हो और ज़्यादा आप बैठे हुए हो अननेसेसरी वीडियोस या मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरा ट्विन आएगा, इस तरीके से बैठे हो, वो सब नहीं करना आपने। आपने एक्चुअल में खुद को हील करना है। और आपको मालूम नहीं है जब आप अकेले जाके बैठे हो ना तो आपके बच्चे जो हैं वो मोबाइलों पर लगे हुए हैं या कहीं ऐसी एक्टिविटीज़ में लगे हुए हैं जो उनको भी गलत रास्ते पर लेके जा रही है। तो सबसे पहली बात आपने सुबह उठ के जो है अपने बच्चों को संवारना है, सुंदर बनाना है, उनके ना हर चीज़ उनके लिए करनी है, उनको सही चीज़ बतानी है, उनके क्रिएटिविटी को उनको क्रिएटिविटी की तरफ ले जाना है कि बच्चे आप ये लोग ये चीज़ें करो, उनको डांस कराना है, उनको बोलना है कि आपने अच्छे मंत्र उनको सुनवाने हैं। ठीक है अच्छा एक एटमोसफेयर बना बिठाना है, उनको योग की क्या महत्वता है वो समझानी है। ठीक है उन्हें समझाना है कि कभी ज़िंदगी में कोई भी दिक्कत हो जाए तो ये चीज़ें जो हैं आपको जो है वो प्रोटेक्ट कर सकती हैं। ठीक है आपने वो चीज़ें जो है वो उनके अंदर अभी से फीड करनी शुरू कर देनी है। ठीक है ताकि ऐसा ना हो कि एक दिन वो ऐसे भटक के जैसे आप भटक रहे थे या मैं भटक रही थी कि हाय रब्बा ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, मैं कहाँ से ढूंढूँ, मैं कहाँ से पता करूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बेस जो है ना वो सेट करो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो, हर रोज़ उनको 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 डांस कराओ, उनको सही सिंगिंग कराओ, रियाज कराओ, वो जो चीज़ करना चाहते हैं वो कराओ, उनके साथ पार्टिसिपेट करो कई चीज़ों में, खेलो, बातें करो, अच्छे संस्कार जो है वो कहानी के फॉर्म में, ऐसे नहीं कि स्पेशली आओ मैं तुम्हें ज्ञान देती हूँ, ऐसे नहीं, जैसे आओ मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ, कहानी के फॉर्म में बताओ कि एक बच्चा था वो ऐसे फंस गया था, फिर उसको कैसे इस चीज़ ने, योग ने, या फिर वो अच्छे भगवान के गाने सुनने लग गया, फिर वो कैसे एकदम उस चीज़ से निकल गया, वो चीज़ें उनके माइंड में ना वो फीड हो जाएंगी फिर। ठीक है तो वो रास्ते जो है ना वो भर दो आप उनके माइंड में, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं वो इन फ्यूचर उनको घेरेंगी। ठीक है आज आप जो है वो आज ही उनको रास्ता दे दो कि इन फ्यूचर अगर तुम कभी भटक जाओ तो तुम्हें ये रास्ता है निकलने का। ठीक है सो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, मतलब वैसे मैं हर वीडियो में इमोशनल नहीं होना चाहती हूँ बट अंदर से
आ रहा है कि मतलब कभी मैं अपने फादर को देखती थी ना इतना अनहील, तो समझ नहीं पाती थी कि इतने अच्छे इंसान ऐसे कैसे बिहेव कर सकते हैं, इतने अच्छे इंसान ऐसे कैसे बिहेव कर सकते हैं, क्यों हो रखे हैं ये ऐसे। ठीक है, और खैर उनके पास सोल्यूशन नहीं था, पर हो सकता है कि उनकी अच्छी आत्मा जो है वो मुझे सोल्यूशन दे रही हो और मैं आप सबको सोल्यूशन दे रही हूँ, या हो सकता है उनका वो बलिदान जो मैंने देखा इस तरीके से वो चले गए। फिर उन सब चीज़ों को जब मैंने कलेक्ट करना शुरू किया कि ये चीज़ कैसे ऐसे हुई वैसे हुई, उस पर रिसर्च करना शुरू किया, और आज 6,000 लोगों को मैं वो सारी बातें जो है वो इस माध्यम से बता पा रही हूँ, है ना। तो वो उनका एक शायद बलिदान ही होगा। तो प्लीज़ इस चीज़ को समझें। और आपके पेरेंट्स का अगर वूंड है आपके अंदर कि आपने ऐसी कोई चीज़ देखी थी जिसकी वजह से आप अपने पिताजी को माफ़ नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज वो बहुत एग्रेसिव थे और आपकी माता पे बहुत अत्याचार करते थे, तो आप जो है ना फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करो। वो इंसान, वो पिताजी, वो पर्सन उस वक्त अनहील था, उसको पता नहीं था, उसको दुष्ट शक्तियों ने जो है वो दुष्ट शक्तियों के प्रभाव में था, इसलिए वो ऐसा था, उसके ऊपर रास्ते नहीं थे इसलिए वो ऐसा था। ठीक है, इसलिए उसके साथ ये वो ऐसी बिहेव कर रहा था। शायद उसके पास, उनके पास भी उस वक्त वो रास्ते होते, ठीक है, जो आपके पास हैं आज, तो शायद वो वैसे नहीं बिहेव कर रहे होते। ठीक है, बट उन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं आपकी लर्निंग्स भी थी, है ना। तो लर्निंग्स थी, बट आज जब आपको सारी क्लैरिटी है, तो सबसे पहले आपने फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करनी है अपने पेरेंट्स के लिए कि वो ऐसे नहीं थे, उनकी सिचुएशंस ऐसी थी, उनके पास सोल्यूशन नहीं थे इसलिए वो ऐसे हो गए थे। तो सबसे पहले फॉरगिव करना है उन लोगों को, ठीक है। और सेकंड चीज़, अपने जो बच्चे हैं उनको गाइडेंस शुरू करनी है बाय तरीके से, क्रिएटिव तरीके से, ऐसे नहीं कि ज्ञान बैठ के दे रहे हो, ऐसे नहीं, क्रिएटिव तरीके से उनको समझाना है ताकि उनके दिमाग में फीड हो जाए कि कभी कभी हमको कभी भी कोई मुसीबत आए तो इन रास्तों से जो है हम निकल सकते हैं, हमारी मम्मी नानी ने हमको ये चीज़ें सिखाई थी। ठीक है, तो ये था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।